I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Oye Veerey, Bhalla saab ne isi Amardeep ko bulaya ki Eid ke rishte ke liye. Haan, Bhalla ka damad banna chahta hai tu? Haan? Arre wo chakna lana yaar, jara wo tangri de. Lena tu. गीत की फोटो देखी? हाँ, सपने आने शुरू हुए उसके? हाँ भाई, कैंट है। अबे तेरी मदद के लिए तो बैठे हम यहाँ, हाँ? क्यों? तू रिजेक्ट ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे लाए तुझे। ये बेचारा रिजेक्ट हो गया था, बता इसको क्या हुआ था? भाई, भाई मुझसे कहते हैं, तुम में हिम्मत है? मैंने कहा हाँ है। उसके बाद कहते हैं 10 लोगों को सड़क पे अकेले मार सकता है। मैंने कहा एक दो को तो संभाल सकता हूँ, ज्यादा हुए तो रॉड पकड़ के सर पे मार सकता हूँ। और मैंने तो अपना पेट्रोल पंप वाला किस्सा सुना है, 5-5 लोगों को हॉकी से दे मारा। अब तू सुना भाई। ओ भाई मेरा तो तू पूछ ही मत, इसने 2 को पीटा, इसने 5 को पीटा, और मेरा देख के अगर तुझे कुछ अंदाजा आता है भाई, पर मैं ना कुछ समझा नहीं। 2 को पीटा यार, ये अभी भी नहीं समझा भाई, मेरे समझा यार इसे। देख मुद्दे की बात ये है कि भल्ला साहब जो है ना, इनको हाथों की ताकत दिखनी चाहिए। हाथों का दम दिखा उनको, हाथों का भाई, हाथों का दम दिखना चाहिए ना, हाथों का दम। थैंक यू जी, थैंक यू। हां जी अंकल जी। अच्छा एक बात बताओ बेटा। जी अंकल जी। क्या नाम बताया तुमने? जी अमरदीप। अमरदीप, वेरी गुड डे, वाह अच्छा नाम है। अच्छा पढ़ाई तुमने कहाँ तक की है, और ऐसा क्या खास हुनर है तुम्हें कि मैं ना अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूँ? भगवान बड़ी बात ना बुलवाए, लेकिन इन हाथों में ही हुनर है अंकल जी। जी अंकल जी, मैंने तो कॉलेज के दिनों में ही हाथ उठाना शुरू कर दिया था अंकल जी, और मुझे किसी हॉकी स्टिक की भी जरूरत नहीं पड़ती, इन्हीं हाथों से अच्छे अच्छे गुंडों को ठीक कर दिया था मैंने कॉलेज के। हाँ जी, और अंकल जी वैसे भी मेरे दोस्त ना खाली यही बात बोलते थे कि बंदे खाली 2 ही हैं इंडिया में, एक सनी पाजी और दूसरा अमरदीप, यानी कि मैं। हैं जी अंकल जी। अंकल जी वैसे तो मैं बहुत कम हाथ उठाता हूँ, लेकिन जब उठाया तो उठाया। अंकल जी परसों की मैं आपको बात बताऊँ तो मैंने एक लौंडे को ऐसा मारा, ICU में एडमिट है बेचारा आज भी। अंकल जी कोमा में है वो। अंकल जी पावर, हाथों की पावर अंकल जी, देखिए। अरे आपका आशीर्वाद अंकल जी, बस आपका। ये क्या कर दिया आपने? लोग सांप को दूध पिलाते हैं, मैं लस्सी पिला रहा हूँ। फिर क्या होना था? पापा ने सॉलिड लस्सी स्नान कराया और भगा दिया उसको। रे बाप रे। Sorry, but your dad is one piece in the world. I mean, one piece. तुम ये बताओ दूसरे वाले का क्या हो रहा है? रिलैक्स रिलैक्स, बल्ली बाजी संभाल रहे हैं हमारा केस यहाँ पर। और सुन एक बात याद रखियो, अल्लाह साहब के लिए बहुत जरूरी है कि आदमी शादीशुदा जिंदगी कैसे शुरू करता है। हनीमून, हनीमून की बात जरूर करना। वाह अंकल लस्सी, आई लव लस्सी। इफ यू डोंट माइंड आंटी एंड अंकल, कैन आई जस्ट ट्राई सम लस्सी? हाँ हाँ जरूर जरूर। थैंक यू, हमारी शॉप की है। हाय 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 वाह क्या बात है। अच्छा बेटा शादी के बाद क्या प्लान है? जी हनीमून तो मैंने स्विट्जरलैंड जाना जी, पहले 2 दिन दुबई विच शॉपिंग करांगे, उसके बाद डायरेक्ट चार्टर्ड फ्लाइट टू स्विट्जरलैंड। हाँ अंकल, लेकिन अगर वहाँ का हमें क्लाइमेट पसंद नहीं आया तो हम पेरिस चले जाएंगे। पेरिस? अरे अंकल प्लेन तो अपने ही है ना जी, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। असि तो वैसे भी ग्रेट हनीमून विच बिलीव करते हैं, और अंकल फिर ये तो मेरा पहला हनीमून है। आपकी कुड़ी का भी पहला है? अरे ओए जहाज के पंछी उठ, क्या हो गया अंकल? खड़ा हो, क्या हो गया? और निकल ले यहाँ से, और निकलने से पहले गले मत लगियो। अहिंसावादी आदमी हूँ, हिंसा पे उतर आया ना तो गले लगते वक्त छाती से भींच के मार डालूंगा तुझे। जा अपने जहाज में बैठ के उड़ ले, और ऐसी लड़की के साथ हनीमून मना जो पहले भी हनीमून मना चुकी हो। बाहर निकल। अंकल चौकीदार अंकल, इसको बिठाओ अपने जहाज में, तेरी बेटी के साथ हनीमून मनाएगा नालायक। Dude, hey dude, बस
इसी झूठ के चक्कर में हमारे देश के नौजवान दूध और घी से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें घर से ज्यादा बर्गर, जीजा से ज्यादा पिज्जा और मामा से ज्यादा मोमोज के साथ प्यार है। इसीलिए हमारी कंपनी की बस यही कोशिश है कि हमारे देश के नौजवानों का रिश्ता घी, दूध, दही और लस्सी के साथ बना रहे। इसीलिए ताऊ घी के बाद बहुत जल्द हमारी कंपनी ताऊ लस्सी भी लॉन्च करने जा रही है, क्योंकि देसा में देस हरियाणा चित दूध दही का खाना। जय जवान जय किसान। ताऊ घी जो है वो बहुत जल्द मार्केट में उपलब्ध होगा। केके जी जय माता की, जय माता की, जय माता, जय माता। और जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी दुकान की मिठाइयां यहाँ पर मंगवाई जी। दूसरे ये आपके विचार सुन के मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हो गया जी। जी थैंक यू थैंक यू। आपका स्टाइल कमाल का है डूड डूड। मतलब स्टाइल भी कमाल का है और दिल भी कमाल का है। अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं आप जी। आपकी मीठी मीठी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझ में ऐसे कोई खास गुण है, बल्कि इंसान होने का मतलब भी यही होता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, बड़ों का आदर करें। वाह 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 वाह, क्या विचार है, क्या विचार है। माफ कीजिएगा, मुझे निकलना है, मुझे एक सामूहिक बारात में जाना है। कुछ गरीब जोड़ों की शादी का एक जिम्मा उठाया तो। कमाल है जी, आपकी ये बात सुन के मैं आपका डबल फैन हो गया हूं। जय माता की, जय माता की, जय माता की। माता रानी, गीत के संगीत में इसका होना बहुत जरूरी है। मम्मा मैं जा रही हूँ। आ रही हूँ गीत। ओके बाय, सी यू। ये किसका बैग है? पापा का, तुम्हारे साथ जा रहे। मम्मा यार भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? मम्मा मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ और वो दोनों क्या सोचेंगे, उनके पापा थोड़ी ना आ रहे हैं उनके साथ। बेटा मैं ऐसे ही फालतू में नहीं जा रहा हूँ। वो रिया का ताऊ जो है वो स्पेशली दुकान पर आया था न्योता देने के लिए कि पूरे परिवार के साथ आना, नहीं तो शादी में मजा ही नहीं आएगा। अब तो मजा वैसे भी नहीं आने वाला ना पापा। मम्मा थोड़ी ना आ रही, आप क्यों आ रहे हो? ये क्यों नहीं आ रही मेरे को क्या पता, मुझे प्रभु का ध्यान करना है। मम्मा यू नो ना, अपनी शादी के अलावा किसी शादी में आज तक गई नहीं, वहाँ भी नहीं जाती। अगर मैं नहीं आता तो ड्रामेटिक, मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। ऐसे नहीं करते मम्मा, ऐसे नहीं करते ना। खुशी खुशी जाना मेरा बेटा। मम्मा लव्स यू नो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? पापा भी आए हैं, मार खाओगे। जाओ इधर से। तुमसे नजरें हटे तो जाए। डायलॉग मार रहे हो, पापा ने सुना ना, दोनों मार खाएंगे। पापा। क्यों बे, शर्म नहीं आती तेरे को? कितनी घटिया और ओछी हरकत पे उतर आया तू। सुना है तू गुंडा पापा? लेकिन गुंडों का भी है ना कोई कैरेक्टर होता है, तेरा तो कैरेक्टर भी खराब है। गुस्सा तो मेरे को बहुत आ रहा है, लेकिन यहां पर है ना किसी की इज्जत और खुशियों का सवाल है, इसलिए अपने आप को संभाले हुए हूं। चल बेटा तू चुप रहेगी गीत। अपनी पसंद का लड़का ढूंढ के देख लिया ना तूने? अब जो मैं कहूंगा तू वो करेगी। तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का फाइनल किया मैंने और मैं जानता हूं तू उसके साथ बहुत खुश रहेगी। पापा चले यहां से। मामा जी को फोन लगाओ, उन्हें खुशखबरी देनी है। ये है जी हरियाणा के रंगीले मामा, अंग्रेजों और अंग्रेजी से खूब प्यार है। अब बेचारे अंग्रेजी तो सीख नहीं पाए, लेकिन अंग्रेजों को हरियाणवी जरूर सिखा दिए। मामा जी को खूब अच्छे से बजानते हैं बल्ली बाजी। गाड़ी जो बेची थी मैं भी जाऊंगी। तुम ना टंडे हो रही है बुटड़ी, तो क्यों कर जाएगी, वहां जाएंगी छोरिया कुमार की जटड़िया। हाँ भाणजे बोल। मामा तेरे भाणजे की शादी है। शादी? हाँ। लगे सर तेरी भी जवानी का मुरब्बा तैयार हो गया सर। अपने भाणजे की शादी में जरूर आना है मामा। अरे भाणजे जरूर आऊंगा, मेरे बगैर तेरी शादी कुकर होगी भाई। ये बात भी है, बात कौन भरेगा। अरे तू घबराओ मत,
अपने हनीमून से निपटते सीधा तेरे दौरे आ लूंगा, ये तो जरूर आऊंगा बाबा। धंधे छोड़ के शादी करने चले ससुरा। मामा जी का चार चार सुहागरात चल रहा है, हमारा एक ठो मंगनी नहीं हो पाया है। अवकात के हिसाब से काम मिलता है भैया, स्वर्ग में रहते हैं अप्सराओं के बीच और झाड़ू पोछा कर रहे हैं। मामा जी हमको बंदूक पे टांग दिए, साला सफाई वाला भी बना दिए। मामा जी गाड़ी तैयार है, प्रोग्राम हो गया तो निकलिए। वीर 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 कैसे हैं आप? कार्ड का डिजाइन पसंद आया आपको? नाम तो आपने पढ़ लिया होगा। खैर इतने पढ़े लिखे तो आप हैं, तो ऐसा है कि मेरी एक बात अपने दिमाग में बड़े अच्छे से बैठा लो कि गीत मेरी होने वाली पत्नी, अगर आज के बाद उसके आसपास नजर भी आए ना तो नजर आना बंद हो जाए। वो क्या है ना, बहुत कच्ची उम्र है अभी तुम्हारी, बहुत पड़ी है जीने को। यहाँ भी आ गया चौकीदार, इसको किसने अंदर रहने दिया? कभी बड़ा भाई कभी छोटा भाई, चल गोपी, निकल गोपी, निकल यहाँ से गोपी, निकल, शांत हो जाओ, इसकी बात तो सुन लो। तुम सुनो इस गुंडे की बात, मैं नहीं सुनने वाला। सॉरी वीर। सर आपने तो अच्छी खासी बजा दी उस दिन मेरी शादी में, और मैं भी आपको जवाब दे सकता था, मगर मुझे भी आप ही की तरह इसी बात का ख्याल था कि हम किसी की खुशियों में शामिल हुए, किसी की इज्जत की रोशनी पर खड़े हैं। आपके तो सारे सवाल झेल लिए मैंने, मगर मेरा एक भी जवाब आप पर भारी पड़ सकता था। और एक बात कहूं सर, मैं जब भी चाहूं ना गीत को उड़ा के ले जा सकता हूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि हम दोनों ही ऐसा नहीं चाहते। क्योंकि जिस घर में बाप अपनी खुशी से बेटी का हाथ ना देना, उस रिश्ते का हम दोनों के लिए कोई मायने नहीं। जब तक आप दोनों नहीं चाहेंगे, मैं और गीत एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात और सर, मैं उस दिन वह गीत के पीछे नहीं आया था, वो मेरे दोस्त के भाई की शादी थी। मैं तो जानता भी नहीं था गीत वहां पे होने वाली है, कैरेक्टर है अपना, ऐसे कहीं पे भी नहीं घुस जाते हम। आप ही की दुकान से आइए सर, आइए। ये हमारे हॉर्सेस हैं सर, देखिए एकदम सफेद, सब एक से एक अच्छी नस्ल के हैं सर, आपको एक भी स्पॉट नहीं मिलेगा। ऐसे 40-50 हॉर्सेस हैं हमारे फार्म में, हमारे जैसी घोड़ी आपको किसी जगह नहीं मिलेगी। विनोद जी, हर घोड़ी के बस की बात नहीं है जो हमें अपनी पीठ पर बिठा सके जी, समझे? बिल्कुल। तो आप एक काम कीजिए, हमारे लिए घोड़ी पेशावर से मंगवाइए। कहाँ से मंगवाएंगे? पेशावर से। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, क्या बात है वीर जी, क्या बात है? आप भी आ गए घोड़ी बुक कराने, लेकिन आप एक बात बताइए, आप इस घोड़ी को बुक करके करेंगे क्या? उसके ऊपर बैठ के पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे, क्या है ना कि लोग बजरी से मारेंगे। अब भल्ला के घर पेशावर वाली लेकर तो मैं जा रहा हूं, आपका क्या होगा जनाबे अली?
चुटकुला अच्छा ना हो तो उस पर हंसकर दूसरे को गुमराह नहीं किया करते। दूल्हे राजा, शादी में बाराती भी लगते हैं, ये अपने आसपास वालों को थोड़ी तमीज सिखाओ, वरना बारात में सिर्फ लूले लंगड़े दिखाई देंगे। ये देख रही हो, इंसान की शक्ल में दिखने वाले ये जानवर जो हैं सड़कों पे कैसे हिंसा फैला रहे हैं, देख रही हो कैसे मार रहा है वो उसको, और इसे और मारेगा और शायद उसे मार भी डालेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि इनमें से कोई वीर नहीं है। हर भीड़ में एक वीर होना बहुत जरूरी होता है, घरों की बेटियां और कमजोर लोगों की हिफाजत करने के लिए। For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.